हेलो, मैं जयंत कृपलानी हूँ एंड आई वेलकम यू टू दिस एपिसोड ऑफ रूट्स। जैसे कि आप जानते हैं, रूट्स में हम मुंबई की स्पिरिट को एक्सप्लोर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। नाउ इट कैन सेफली बी सेड दैट मुंबई इज अ सिटी ऑफ टू सीजन्स। वन इज द लॉन्ग हॉट नॉन रेनी ड्राई सीजन एंड द अदर द मार्वलस मॉनसून्स दैट कम क्रैशिंग डाउन ऑन अस, क्लियरिंग द एयर ऑफ ऑल इट्स पोल्यूटेंट्स एंड ब्रीदिंग अ न्यू लाइफ इनटू द फ्लोरा फौना एंड इनटू आवर लाइव्स। तो इस एपिसोड में हम मुंबई की बारिश के बारे में बात करेंगे। प्राणदायिनी बारिश का लोग महीनों से इंतज़ार करते हैं। किसी को बारिश में रेनी डे मनाने का इंतज़ार होता है, तो किसी को पहली बारिश में भीगने का, किसी को रोमानी होने का और किसी को भरे तालाब में तैरने का। हर साल मार्च अप्रैल से ही मुंबईकर बारिश के इंतज़ार में लग जाते हैं और जून में जैसे आसमान पे बादल छाते हैं, मुंबईकरों के मन भी मयूर की तरह नाच उठते हैं। For me is I wait for the smell of the monsoon. And even now, even though there's concrete everywhere, you can smell the approach of the monsoon. And the trees get fresher and there's the smell of the monsoon soaking into the earth. And for me, every time that is the sensation I really look forward to. बारिश अपने संग लाती है पेड़ पौधों पे हरियाली, हवा में नमी और ताजगी, और गर्मी से त्रस्त लोगों के लिए रिलीफ। चार पांच महीनों का गर्मी का परेशान हो रहते हैं पब्लिक, तो बारिश आती है तो अच्छा लगता है। बारिश आने से गर्मी का जो प्रॉब्लम मेन है वो सॉल्व हो जाता है। बच्चे हो या बूढ़े, मुंबई में कोई ऐसा नहीं जो बारिश से खुश न हो। बारिश में सावन आता है और सावन का मौसम इतना पसंद है कि लोग खुशी से हमारे घर से निकलते हैं, बच्चे बरसात में भीगते हैं, हम लोगों को भी काले बादल और ये सब देख के बहुत खुशी होती है। The seafront and beaches are the most popular places to enjoy rain masti. खुद का काम जल्दी निपटा के आधा दिन से भीगने के लिए निकला हूँ मैं। बारिश में भीगने में बहुत मजा आता है। बस ऐसे ही घूमते हैं, बारिश में भीगते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन बच्चों को रेंज में मस्ती मारने का अपना अलग अंदाज है। हम पानी में खेलते हैं, भीगते हैं। बारिश ज्यादा आती है तो स्कूल बंद होता है और हम मजे करते हैं। मुंबई के आशिकों के लिए बारिश में अपने लवर्स के साथ भीगने का मजा इज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ देयर रोमांटिक लाइफ। कई कपल्स तो बारिश की बिना परवाह किए भीगे भागे मॉनसून वेडिंग भी मना लेते हैं। उनके लिए बारिश तो ऊपर वाले की आशीष है। ऑफ लेट मेनी फॉरेनर्स कम टू बॉम्बे ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू एक्सपीरियंस द मुंबई मॉनसून्स। I like the rain because the rain is a warm rain. Here rain is fantastic, so you see I'm totally wet and I love it. Well, we enjoy the rain by walking. Long drive पे वगैरह जाना पसंद करता हूं और ज्यादातर वक्त अपने फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूं। मुंबई की बारिश को एंजॉय करने का सबका अपना अपना अंदाज है। What is the ideal way to spend the ideal monsoon day? मेरे लिए गरम गरम पकौड़े, गरम गरम चाय, चार पांच दोस्त, विंडो के बाहर बारिश और गप का दौर। वाह। आपने महसूस किया होगा कि मुंबई के मॉनसून में धुले हुए कपड़े जल्दी नहीं सूखते एंड देन दे हैव दिस डैम्प ओडर व्हिच कैन बी क्वाइट अनप्लेजेंट। इसी तरह मुंबई के मॉनसून में मज़े तो हैं बहुत, लेकिन काफ़ी तकलीफें भी होती हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं उन पर।
बारिश के बारे में सबसे ज़्यादा तकलीफ बीएमसी की वजह से होती है, जो गड्ढे हैं, गड्ढों के कारण ट्रैफिक होती है। रास्ते में सब खड्डे वड्डे गिर जाते हैं और पानी भी ऐसा घर में घुस जाता है। मुंबई की मूसलाधार बारिश का सबसे बड़ा असर पड़ता है सड़कों पे। जगह जगह वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जैम्स और जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बारिश के अलावा सड़कों की ऐसी हालत की दूसरी जिम्मेदार है मुंबई की खस्ताहाल ड्रेनेज सिस्टम। The drains are not cleaned. You would have to walk through a foot and a half of water just to reach the bus stop. Kichad bichad, kapda bada, sab ganda ho jata hai. The monsoons increasingly are becoming a problem rather than something to enjoy. Bombay always flooded because we're a city that is built on the sea, and our drainage system depends on the tidal patterns. But now, because of unsanctioned building, but also buildings being sanctioned without thought to increasing the capacity of the drainage system, we flood now every year with just the smallest amount of rain. The monsoon has now come to represent all of the problems of our lack of infrastructure and the lack of planning for infrastructure. और जैसे बारिश बढ़ती है, गंदगी फैलती है, वैसे ही बढ़ता है खतरा बीमारियों का। कचरे के बारे में बीएमसी ये सब अपना तुरंत एक्शन लेवे, क्योंकि इसकी वजह से मलेरिया और ये सब बीमारी फैलने का, टाइफाइड वगैरह फैलने का डर सताते हैं। बरसात के टाइम मेन दो चीज़ का उनको टेंशन रहता है, एक तो बुखार जो मलेरिया और डेंगू का आता है, तो उसके लिए अपने घर के विंडोज जो है उसको जाली वाला कोटिंग चाहिए जिससे कि मच्छर अंदर नहीं आए, मस्कीटो रिपेलेंट चाहिए और बाहर आजू बाजू पानी जमा नहीं होना चाहिए। सेकेंडली जो हमको प्रॉब्लम मिलते हैं डायरियल डिसीज़ के, गैस्ट्रो एंट्राइटिस, जॉन्डिस, इनकी भी पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है इसमें। तो बाहर का खाना जनरली अवॉइड करना चाहिए, घर का जो होम कुक फूड है वही लेना चाहिए। बाहर के फ्रूट्स भी लेंगे तो वो अच्छी तरह से धो के फिर ही खाने चाहिए। कंटेमिनेटेड फूड, मक्खी, इनसे ये डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस होते हैं। ये सब ख्याल रखेंगे तो हम लोग ये सब डिजीज से बच सकेंगे। लेकिन ये लाइफ गिविंग रेन सबसे ज्यादा परेशान नहीं, लेकिन ये लाइफ गिविंग रेन मुंबई की स्ट्रीट ड्वेलर्स की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देती है। दे हैव नोवेयर टू रन, नोवेयर टू हाइड। लेकिन मुंबई में प्रॉब्लम ना रहे तो मुंबई मुंबई ना रहे। Mumbai has a reputation of converting every crisis into a business opportunity. And during the rains, there are many business opportunities that crop up, prosper, and flourish. बारिश की शुरुआत के साथ मुंबई के छाते वालों की चांदी हो जाती है। बारिश में ज्यादा करके अम्ब्रेलास, रेनकोट, जैकेट्स, ट्रैक पैंट्स, बर्मुडास, शॉर्ट्स, लाइट वेट ज्यादा चलता है। छाते नए तो नए, साथ ही पुराने छातों की मरम्मत करने वालों के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। बारिश के सीजन में छतरी वितरी बनाता हूँ, छतरी वगैरह जैसा भी हो गया अपने को आता है। पॉटहोल्स वाली सड़कों का कहर बरपता है गाड़ियों पर, चक्कों पर, लेकिन इससे धंधा बढ़ता है मैकेनिक्स और गैराज वालों का। रोड्स पे ही तो सब सारे प्रॉब्लम होते हैं, गाड़ी डूब जाती है तो टोटली डेड हो जाएगी गाड़ी, काफी समस्या है उसमें, तो लाखों रुपए जा सकते हैं। मुंबई मानसून में एक और धंधा गर्माता है और वो है भुट्टा बेचने वालों का। मैं कांटों पे भुट्टा बेचता हूँ, भुट्टा भुटता हूँ, मसाला लगाता हूँ, बटर लगाता हूँ, लोग खाते हैं, अच्छों को अच्छा लगता है, बारिश में खाने का बहुत मजा आता है। हाँ, मौसम अगर ठंडा मौसम है, बारिश है तो ज़्यादा भुट्टा बेचते हैं, ज़्यादा पब्लिक आती है, एक्टर लोग भी आते हैं, हीरो लोग भी आते हैं, हीरोइन लोग भी आती हैं। मुंबई के पेरिनियल फेवरेट्स कटिंग चाय वालों के लिए मानसून सुपर स्पेशल सीजन है, जबकि उनकी केतली कभी खाली नहीं होती। ये तो चाय धंधा करते हैं। हाँ, चाय इधर बारिश में तो पानी पूरा एकदम भर जाता है पानी, फिर भी हमारा जो कस्टमर है इधर आते तो
हमारा विराधे साहब में फेमस है खाली चाय का। हम बारिश में ना पकोड़े खाते हैं, भुट्टे हो गए, पानी पूरी हो गए, लोग भीग के ये चाय पीना चाहते हैं, अब ज्वारी के जो भुट्टे होते हैं भुट्टे खाना चाहते हैं, वड़ा पाव खाना पसंद करते हैं। The monsoon progresses, it's the smell of pakoras that are cooking in the monsoon, the smell of hot chai as you pass a tea stall on the way to the station. These are the things I look forward to. July 26, 2005 is etched in the memory of every Mumbaikar. Us din itni barish hui, the city collapsed. Hundreds of people died. Thousands of people came out of their houses to help the lakhs and lakhs of people who were stranded on the streets of Mumbai. If they hadn't done so, the toll would have been much, much higher. Today, we take this opportunity to salute this spirit of Mumbai.